नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतनु और इस वीडियो में मैं रिलायंस इंडस्ट्री या फिर आप कह लीजिए कि रिलायंस जियो से रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट पर है या फिर खबरों के बीच में है। क्या है इसके कारण? तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के एक प्रोडक्ट जो कि है रिलायंस जियो, इससे जुड़े हुए बहुत सारे खबर आज के दिन में मार्केट पर फ्लोट कर रहा है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जियो में अलग अलग कंपनी से इन्वेस्टमेंट ला रहा है, जैसे कि फेसबुक, उसके बाद हो गया सिल्वर लेक, फिर हो गया विस्ता। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में और एक कंपनी का नाम यहां पर ऐड करना चाहिए या फिर ऐड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, रिलायंस जियो में और एक कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाए हैं और दोस्तों, इस कंपनी का नाम है जनरल अटलांटिक। हालांकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और इसमें मैंने बताया था कि शायद ये कंपनी मतलब जनरल अटलांटिक रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करे, लेकिन तब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुआ था। अब जबकि इसके बारे में पुष्टि हो गए हैं तो मैं ये वीडियो में उसके बारे में और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पर जनरल अटलांटिक ये भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी भी बाकी तीनों कंपनी के तरह ही टेक में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज यहां पर कॉमन है, वो ये कि जितने कंपनी रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रहा है वो सारी की सारी यूएस कंपनी है और ये सारी कंपनी टेक में ही ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों, जनरल अटलांटिक ने कहा है कि 1.34% की इक्विटी या फिर स्टेक वो लोग एक्वायर करना चाहते हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में, और इसके लिए उन्होंने कहा है मतलब जनरल अटलांटिक ने कहा है कि 6,398 करोड़ रुपीस वो लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही मैसिव अमाउंट यहां पर हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों, अब जो चार कंपनी ऑलरेडी रिलायंस के साथ अटैच कर चुके हैं, हम इसको भी अटैच ही कह सकते हैं, तो इन चारों कंपनी को मिलाकर जो पैसा टोटल में बनता है वो एक ह्यूज अमाउंट हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों, अमाउंट कितना है ये भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों, जो टोटल अमाउंट होते हैं वो होता है 67,194 करोड़ रुपीस। ये एक मैसिव अमाउंट है और दोस्तों, मैंने पिछले ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों से साथ शेयर किया था कि रिलायंस इंडस्ट्री अपना राइट इशू भी लाने जा रहा है जो कि 20 तारीख से चालू हो जाएगा और उसके तहत मतलब राइट इशू के तहत भी 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट वो मार्केट से उठाएंगे। इसका मतलब टोटल में मिलाकर 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलायंस जियो में जो डेट है वो करीबन 1,03,000 करोड़ रुपीज है। तो इसको अगर पूरी तरीके से बोर्ड दे भी देते हैं मतलब डेट फ्री कंपनी बना भी लेते हैं तो भी रिलायंस के पास कुछ पैसा बच जाएगा जो कि आगे आने वाले समय में कंपनी को एक्सपांड करने के लिए यूज में लाया जाएगा। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है और दोस्तों, ये मार्केट के अलग अलग एक्सपर्टों के द्वारा भी इसके बारे में कहा जा रहा है। अब यहां पर मैं इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए एक बातें छोटा सा शेयर कर दूं। हालांकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक है वो 1600 के ऊपर जाते ही उसमें बिकवाली आ जाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसके आने के बाद और राइट इशू के बाद देखना होगा कि कंपनी का शेयर 1630-35 के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं तो शायद उसके लिए जो टारगेट वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं करीबन 1700 के करीब, और अगर नहीं करते हैं तो फिर से देखना होगा कि कंपनी के अंदर क्या टारगेट बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी जो करंट सिनारियो है इन सारी चीजों को देखते हुए कंपनी का टारगेट 1700 के भी ऊपर चला जाए ऐसा मुझे लगता है। खैर, मेरे बात पर आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए, आप लोग जांच पड़ताल करने के बाद ही चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो गया पूरी इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मैंने क्या कहा था। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आप लोगों को प्रेडिक्शन दे दिया था और दोस्तों, जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री पहले 3 कंपनी के साथ ऑलरेडी डील कर चुका है, चौथा कंपनी है
ये जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आज वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा भी और एक कंपनी के साथ शायद रिलायंस जियो अपना टाई अप कर ले या फिर इन्वेस्टमेंट लाए। दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली वो कंपनी होगा माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है नहीं दूसरा कोई भी कंपनी हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो माइक्रोसॉफ्ट होगा और करीबन माइक्रोसॉफ्ट 5% की स्टेक इस रिलायंस जियो में खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है। खैर, इसके आगे जो भी होगा वो आप लोग जान ही पाओगे और उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा। तो दोस्तों अब मेरी बात तो हो ही रहा है, तो कम से कम इस बात पर चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।